चक्रवर्ती तूफान दाना को देखते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार हाई अलर्ट पर। केंद्र सरकार की हालत पर लगातार रख रही है नजर। पेड़ और खंभे उखड़ने की आ रही है खबर। 6 लाख लोगों का हुआ विस्थापन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें बड़ी। भाई अनमोल बिश्नोई राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में किया शामिल। उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख का इनाम भी किया घोषित। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें सीट नहीं चाहिए उपचुनाव में, हमें जीत चाहिए। उन्नाव में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां लूट का एक आरोपी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर चौकी से हथकड़ी सहित फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान पुलिस वाले क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे। तिरुपति के कई होटलों में बम की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र चुनाव टिकट बंटवारे पर आज शाम 4:30 बजे होगी कांग्रेस की बैठक। मेडिकल इमरजेंसी के बाद विस्तारा एयरलाइंस का विमान जयपुर की ओर हुआ डायवर्ट। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने एनसीपी अजीत गुट में हुए शामिल। मुंबई भाजपा नेता निशिकांत पाटिल और संजय काका अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी में हुए शामिल। अभिनेता अन्नू कपूर ने लगाया आरोप, चक दे इंडिया फिल्म के मेकर किसी तरह का सामुदायिक नैरेटिव फिट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मेकर ने जानबूझकर लीड किरदार का धर्म बदलकर उसे मुस्लिम दिखाया था। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान का लीड किरदार कबीर खान, मशहूर इंडियन कोच अमीर रंजन नेगी पर आधारित था।